गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं आपका इंग्लिश टीचर मयंक जैन और आज के इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ हमारे लेसन नंबर 1-3 क्वेश्चंस के पार्ट 2 के बारे में। ठीक है, अब देखो जहाँ तक कि हम जानते हैं कि अब तक जो है हम जानते हैं कि किंग 3 क्वेश्चंस के बारे में आंसर जानना चाहता था, लेकिन उसको कोई भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला। तो वो डिसाइड करा था उसने कि वो अब एक हर्मिट, एक सन्यासी से मिलेगा अपने किंगडम, अपने राज्य के, ठीक है, जो कि बहुत ही बुद्धिमान माना जाता था। तो फिर वो करता क्या है, हर्मिट कैसा इंसान था? द हर्मिट वॉज एन ओल्ड मैन हु वॉज डिगिंग द अर्थ फॉर फार्मिंग। अच्छा, बहुत ही बुजुर्ग आदमी था हर्मिट, और जो कि ज़मीन खोद रहा था खेती करने के लिए, ज़मीन की जुताई कर रहा था। अच्छा, द किंग हेल्प्ड हिम इन हिज वर्क एंड आस्क्ड हिम आंसर्स ऑफ हिज क्वेश्चंस, बट द हर्मिट डिडंट रिप्लाई। अब होता क्या है कि किंग अपने वही 3 क्वेश्चंस के जवाब चाहता है उससे, हर्मिट से, और उसकी बहुत मदद भी करता है उसके लिए। वो सारे खेत की जो भी जुताई वगैरह का काम था वो खुद करता है, लेकिन हर्मिट उसको कोई जवाब नहीं देता। ठीक है, राजा बार बार पूछता है उससे। अब फाइनल क्या होता है, फिर तभी क्या होता है कि वो एक आदमी, एक दाढ़ी वाला आदमी देखते हैं जो कि जख्मी था। दिस अ वाउंडेड मैन, वाउंडेड कहते हैं जख्मी को, हु वाज रनिंग टुवर्ड्स देम, जो उनकी तरफ भागा चला आ रहा था। उसके पेट में बहुत बड़ा जख्म था, किसी ने वार किया हुआ था। किंग क्या करता था, किंग केयर्ड फॉर द वाउंडेड मैन। ठीक है, किंग क्या करता है, उस जख्मी इंसान के, उस जख्मी दाढ़ी वाले इंसान की मदद करता है, उसकी ड्रेसिंग करता है, पट्टी करता है, उसको पानी ला कर देता है। ठीक है, फिर अब क्या होता है, इतने सारे काम करने में ना, बाय नाउ द सन हैड सेट, द किंग बिकेम टायर्ड टिल नाउ। अच्छा, अब क्या होता है कि अब तक जो है सूर्य अस्त हो जाता है और हमारा राजा जो था वो बहुत ही थक जाता है। फिर तभी उसको बाद में अगले सुबह पता चलता है कि जो दाढ़ी वाला इंसान था वो असल में उसका दुश्मन था। द बियर्डेड मैन वॉज हिज किंग्स एनिमी, ही आस्क्ड फॉर अपोलॉजी टू हिम बिकॉज ही वॉन्टेड टू किल द किंग। अब जब उस दाढ़ी वाले जख्मी आदमी को पता चलता है कि राजा ने ही मेरी मदद करी है, मेरी जान बचाई है, तो वो कहता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपको मारने के लिए ढूंढ रहा था क्योंकि आपने मेरे भाई के साथ कुछ गलत किया था, लेकिन अब आपने मेरी जान बचाई है इसलिए मेरी सारी दुश्मनी आपसे ख़त्म हो गई है। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी। अब जो राजा था हमारा वो बहुत ही खुश हो जाता है कि चलो भैया अब शांति बन हो गई है उसकी दुश्मन के साथ, अब कोई भी आगे कोई झगड़ा वगैरह नहीं होगा उसके साथ। अच्छा, द किंग अगेन आस्क्ड हिज क्वेश्चंस आंसर्स एंड द हर्मिट रिप्लाइड एज फॉलोइंग। अब होता क्या है कि राजा फिर से पूछता है अपने सवालों के जवाब उससे, हर्मिट से, और वो उसको क्या जवाब देता है, जो पहला क्वेश्चन था कि सबसे इम्पोर्टेंट समय कौन सा कोई काम करने का, तो कहता है द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम इज नाउ और प्रेजेंट। सबसे इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण समय जो है किसी भी कार्य को शुरू करने का वो है आज का समय, प्रेजेंट का समय। ठीक है, प्रेजेंट के समय में तो उसने जो है हर्मिट की मदद करी थी वो खेत वगैरह, गड्ढा वगैरह खोदने में। फिर कहता है द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। ये उसके दूसरे सवाल का जवाब था, जो दूसरा सवाल था कि भैया कौन से ऐसे महत्वपूर्ण लोग हैं जिसको, जिसकी बातों को उसे सुनना चाहिए। तो भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट आदमी वही है जो एक पर्टिकुलर, एक क्षण के दौरान उसके साथ है। ठीक है, एक मोमेंट, एक समय जो उसके साथ हैं व्यक्ति, उनकी बातें उसे सुननी चाहिए, वही महत्वपूर्ण होते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन था कि कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस है, कार्य है जो उसे करना चाहिए, तो ये था द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू अ पर्सन गुड। तो हर्मिट के द्वारा जो तीसरा आंसर दिया गया तीसरे सवाल का, कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है एक व्यक्ति के लिए वो है दूसरे व्यक्ति की मदद करना, उसके लिए अच्छा करना, और यही राजा ने किया। राजा ने हर्मिट की भी मदद करी, उस दाढ़ी वाले आदमी की मदद करी जो उसका दुश्मन था। तो इस तरह से हमारी ये कहानी ख़त्म होती है, और इसके क्वेश्चन आंसर्स आप जो है अपनी कॉपी में करेंगे इंग्लिश की, और इसके वर्ड मीनिंग्स को भी लिखेंगे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।